दोस्तों अभी हम आए वृंदावन में और बड़ा सुंदर यहाँ पे अंदर भजन कीर्तन हो रहा है और वहीं पे मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों अभी हम हैं करपात्र धाम में, हमारे साथ है आचार्य स्वदेश ब्रह्मचारी। राधे राधे। श्री राधे। श्री राधे। पूर्ण सलिला माँ गंगा के यमुना के इस दिव्य निकुंज में अनादि परंपराओं का निर्वहन करने में अपनी सनातन संस्कृति को समेटे हुए श्रीधाम वृंदावन की इस पावन वसुंधरा के दिव्यतम श्रीधाम करपात्र धाम के इस पवित्र परिसर में पूज्यपाद अनंत विभूषित धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की पावन परंपरा, पूज्यपाद यज्ञ सम्राट वीरव्रती ब्रह्मचारी श्री प्रबल जी महाराज की इस दिव्यतम पावन प्रेरणा के परिणाम स्वरूप, पूज्यपाद समर्थ श्री त्र्यंबकेश्वर चेतन ब्रह्मचारी जी महाराज के द्वारा श्रीधाम वृंदावन की इस पावन वसुंधरा के दिव्यतम परिसर में चतुर्वेद होमात्मक प्रायण अपनी दिव्यता को लेकर के आगे बढ़ रहा। वास्तविक श्रीधाम वृंदावन की इस दिव्य भूमि में ये एक विलक्षण समायोजन है। हमेशा से हमने भी अपनी परंपरा में चारों वेदों का सस्वर उच्चारण पाठ श्रवण किया है, लेकिन आज हम वर्तमान की स्थिति को देख रहे हैं तो चारों वेदों के द्वारा प्रायण ये हमारी अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ व स्वामी श्री करपात्री फाउंडेशन की पावन परंपरा का ही परिणाम है कि आज हम वैसे तो बहुत लंबे समय से पूज्य महापुरुषों की पावन परंपरा से ही, जब पूज्यपाद परमनिष्ठ ब्रह्मचारी श्री जीवनदत्त जी महाराज नरवर के संस्थापक हों, उन्हीं की स्नेहाशीष छाया का आनंद लेने वाले पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज हों, उन्होंने सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने जीवन का दिव्यतम विनियोग किया है यज्ञ। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपने वृंदावन ही क्यों चुना? नहीं, भारतवर्ष के अनेक प्रांतों में अपने अखिल भारतवर्ष के धर्म संघ के स्थान हैं, गौशाला हैं, संस्थान हैं, विद्यालय हैं और अनाथालय हैं, वयोवृद्ध लोग भी जहाँ नित्य निवास करके धर्म चर्चा करते रहते हैं। लगभग हम 18 संस्कृत विद्यालय और गौशालाएँ विधिवत रूप से संचालित कर रही है अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ संस्था, और दिव्यतम 100 कुंडीय अथवा 324 कुंडीय विशालतम यज्ञों का आयोजन पूर्व से भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांतों में करती चली आ रही है और भविष्य में भी आगामी समय में 2 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक हरिगढ़ उत्तर प्रदेश में हरिगढ़ अलीगढ़ में रहेगा 100 कुंडीय महायज्ञ श्री महालक्ष्मी महायज्ञ अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ व स्वामी श्री करपात्री फाउंडेशन की पावन परंपरा के अंतर्गत ही होने जा रहा है। तो आचार्य जी, आज यहाँ पर जो आपने यज्ञ आयोजन हो रहा है, इसका स्पेशल किसी कारणवश ये हो रहा है भी यहाँ पे? नहीं, हमारे शास्त्रीय परंपरा है कि जब भी धर्म के विषय में कोई सनातनीय परंपरा के विषय में किसी विषय पर चर्चा करने की बात आ जाए तो शास्त्रों पर दृष्टि डाला जाए तो एक विषय है कि धर्म जिज्ञास्य मानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। यदि धर्म के विषय में यदि कभी भी कोई जिज्ञासा का विषय हमारे सामने आ जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें श्रुति की तरफ बढ़ना चाहिए, यानी वेदों की तरफ बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि वेद ही काफी कुछ लिखा हुआ वेदों में और उनको सामने लाना होता है तभी चीजें आगे होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि वेद शब्द एक ऐसा है, वेद्यन्ते ज्ञाप्यन्ते धर्मादि चतुष्ट पुरुषार्थ प्राप्तयो ये नहस्य वेदा। जहाँ से चारों पुरुषार्थों की धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का मार्ग सहज सुलभ हो जाए वो वेद है। बिल्कुल, बिल्कुल। द्वारा यज्ञो भाई श्रेष्ठतम कर्म,
बिल्कुल सही। शास्त्र कहते हैं कि यज्ञ भाई श्रेष्ठतम कर्म, यदि भूमंडल पर कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म है तो केवल यज्ञ है। यज्ञ है बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस यज्ञ में वेद की ऋचाओं का स्वाध्याय करने वाले वैदिक ब्राह्मण संध्या वंदन निष्ठ आचरण रत सदाचार संपन्न ब्राह्मण बटुक जब बैठ करके यज्ञ में आहुति प्रदान करते हैं, गौ माता के घृत से युक्त तिल जौ चावल के द्वारा समन्वित जो संभार है उसके द्वारा भगवान यज्ञ नारायण का हम यजन करते हैं और अपनी सनातनीय परंपरा को अक्षुण बनाए रखने में अपने जीवन का विनियोग कर रहे हैं। बिल्कुल। और वृंदावन धाम में अगर यज्ञ हो तो उसका तो अलग ही आनंद। हाँ, श्रीधाम वृंदावन में यज्ञ का तो एक ऐसा आयोजन है कि अभी जिस दिन यज्ञ प्रारंभ हुआ है उस दिन हमारे श्रीधाम वृंदावन के विद्वत परिषद के कुछ महापुरुष यहाँ पर पधारे थे। अच्छा। जब वो विद्वत परिषद के महापुरुष पधारे तो उनमें आपस में चर्चा हुई कि हमने अब आज तक बहुत लंबे समय से चारों वेदों का पारायण और चारों वेदों को विधिवत श्रवण तो किया है लेकिन यज्ञ का कार्य होमात्मक कार्य हमारे श्रीधाम वृंदावन में पहली बार अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ अच्छा। की पावन परंपरा के ही अंतर्गत होने जा रहा है और हो रहा है। बहुत ही सुंदर। होमात्मक तो कहीं देखने में नहीं आता। बिल्कुल। फिर भी ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, होता है, लेकिन हमारे श्रीधाम वृंदावन में होमात्मक चतुर्वेद पारायण नहीं हुआ। अच्छा। आज हम प्रथम बार यहाँ ऐसा काशी यहाँ वृंदावन विद्वत परिषद ने अपने मुख से यहाँ पर बैठकर के स्वयं कहा है। अरे वाह, वो ये तो बहुत सुंदर। तो श्रीधाम वृंदावन की जो पावन आनंद की अनुभूति है उसकी तो फिर क्या कहें। बिल्कुल, बिल्कुल। आनंद नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पूज्य श्री समर्थ श्री त्र्यंबकेश्वर चेतन ब्रह्मचारी जी महाराज हैं जो सामने बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, अच्छा। और जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं आप अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ व स्वामी श्री कर्पात्री फाउंडेशन के परमाध्यक्ष हैं। वर्तमान में आपके ही स्नेहाशीष से सारी संस्थाएं संचालित हो रही है और उनके जो बिल्कुल सामिप्य में तखत पर बैठे हुए हैं आप श्री पूज्यपाद परम निष्ठ ब्रह्मचारी श्री जीवनदत्त जी महाराज द्वारा संस्थापित संस्थान नरवराश्रम के में आप भैयाकरण के अध्यापक रहे हैं और अच्छा। आप वर्तमान में यहाँ इस चतुर्वेद पारायण होमात्मक महायज्ञ के आचार्य के रूप में हमें अपना स्नेहाशीष प्रदान कर रहे हैं, उनका हम दर्शन कर रहे हैं। ये एक अलग आनंद है कि यहाँ पर धर्म चर्चा और संगतीकरण का जो सिस्टम है यानी कि जो सत्संग है। बिल्कुल बिल्कुल। आनंद है। बिल्कुल। वो एक अलग ही है और उसका हम आनंद भरपूर। तो आचार्य जी मेरे व्यूअर्स भी हैं तो आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, जो भी महापुरुष इस वाणी को इस चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, हाँ। वास्तविक सत्यता तो यही है कि हमारी सनातनीय परंपरा को अक्षुण बनाए रखने में यदि हमारे मीडिया यदि सहयोग करें तो आप सब लोग बड़े आदर के पात्र हैं और जो लोग इस हमारे वाणी को श्रवण कर रहे हैं वास्तविक हमने जो कहा है वो यथार्थ सत्य ही कहा है क्योंकि ऐसा होमात्मक आयोजन देखने में कम ही प्राप्त होता है। आप इस आयोजन का भरपूर आनंद लें और आगामी समय में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं जो भी इस चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ को श्रवण कर रहे हैं उनके लिए अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ व स्वामी श्री कर्पात्री फाउंडेशन हमेशा आमंत्रित करता है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज की जय हो, पूज्यपाद अनंत विभूषित स्वामी श्री विष्णुआश्रम जी महाराज की जय हो, यज्ञ सम्राट वीरव्रती ब्रह्मचारी पूज्य श्री प्रवल जी महाराज की जय हो, जय हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद।